मेरे अति प्रियो, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको नमस्कार करता हूँ। क्या आपके जीवन में आनंद रहते हैं, खुशी के साथ रहते हैं? आज मेरे जीवन में मैं बहुत ही आनंद के साथ, क्योंकि जहां यीशु मसीह ने गलील में सेवा की, उसी जहां से मैं बात करता हूं, मैं आनंदित हूं। यहां से प्रचार को आप सुनते हैं, इसलिए आप भी धन्य पुरुष है, धन्य स्त्री है। यीशु मसीह की पहाड़ी उपदेशों को हम लगातार सीखते हैं, ये आशीष के लिए कारण है आपके जीवन में हमेशा याद रखना। क्या आप याद रखते हैं? उसके वचन के अनुसार जिएंगे तो आपके जीवन में आशीष है। आज मत्ती 5वां अध्याय में देखिए 10वां वचन में यीशु कहता है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मेरा बेटा तो धन्य है, बेटी तो धन्य स्त्री है। इसका मतलब आशीषित पुरुष है, आशीषित स्त्री के रूप में है। कहां कोई मेरी बातों को नहीं मानते, मैं आशीष में नहीं हूं। ईमानदारी से रहने के लिए जब जाते हैं, कहते हैं, लोग कहते हैं तू सबसे बड़े पाहल है। घर में भी सताए जाते हैं, जहां काम करते हैं ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ रहने के लिए कोशिश करने से भी लोग मेरे साथ नहीं देते हैं। मुझे कहते हैं तू सबसे बड़े ईमानदार के रूप में दिखावा दिखाना करता है। ऐसे ही आपके विरोध में लोग कहते हैं ना। और आप देखिए, यदि आप रिश्वत नहीं लेते, लेने वाला भी आपको मूर्ख के समान देखता है। यदि आप ईमानदारी से काम करते हैं, वे सब उसको पसंद नहीं करते हैं, किसी न किसी ढंग से आपको भगाने के लिए कोशिश करते हैं। सेवा में विश्वास योग्य ईमानदारी के साथ रहने से आपके विरोध में खड़े होकर आपको भगाएंगे, सताए जाएंगे। धर्म के मार्गों में चलने के लिए कभी भी आप घबराना नहीं चाहिए। जो धर्म के लिए सताए जाते हैं वे धन्य पुरुष है। यदि आपके ईमानदारी के चलते आपके विरोध में लोग बोलते हैं, आप बिजनेस में सही ढंग से काम करने से, आपके विरोध में लोग रहने से, आपको परमेश्वर जरूर आशीष को देंगे, आशीष को कोई रोकेगा नहीं। वे सिर्फ आपके विरोध में काम कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आने वाला आशीष को रोक नहीं सकते हैं। परमेश्वर आपके ईमानदारी के लिए जरूर उन्नति को देंगे, आशीष की बढ़ोतरी को देखेंगे और आपके जीवन में उन्नति आते रहेगा। आपके आशीष को कभी भी रोक नहीं सकते हैं। यदि पाप करते हैं, उसके द्वारा सताए जाते हैं, वो आपका प्रतिफल है। लेकिन सचमुच में ईमानदारी हो के आपके जीवन में यदि सताए जाते हैं, वो आपके लिए आशीष के रूप में बदलेगा। इसलिए कभी भी आप अपने काम में निराश नहीं होना। कोई भी कुछ भी आपके विरोध में बोलने दें, काम करने दें, लेकिन परमेश्वर आपको देखता है। लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू आशीषित रहेगा। लोग कहने पाए, कुछ भी कहे, लेकिन परमेश्वर कहता है आपके आशीष को कोई रोकेगा नहीं। शायद आपके विरोध में लोग बोलेंगे, इसको जीने के लिए ही मालूम नहीं है, बहुत ही ईमानदारी को दिखाता, लेकिन परमेश्वर इस बातों के लिए आपके जीवन में जरूर प्रतिफल को देने वाले हैं। परमेश्वर आशीष को बरकरार रखेंगे। धर्म के चलते आप सताए जाने से कोई बात नहीं, लेकिन पाप नहीं करना है, उसके द्वारा जरूर क्लेश मिलेगा। परमेश्वर के राज्य के चलते आप दुख उठाएंगे तो उसके लिए परमेश्वर आपको जरूर आशीष को देंगे। कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। इसलिए कहना, ये परमेश्वर, मैं धर्म के चलते सताए जाते हैं तो मैं धन्य पुरुष हूं, धन्य स्त्री, ये मेरे लिए आशीष का कारण है। इसके बाद मेरे विरोध में कोई भी बोले, कुछ भी बोले, लेकिन परमेश्वर अपनी धार्मिकता में मैं स्थिर रहूंगा। कोई भी मेरे विरोध कुछ भी कहने पाए, लेकिन तू मुझे जरूर आशीष देता, उस आशीष को कोई भी रोकेगा नहीं। यीशु के नाम में आमीन, आमीन।